स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है तो हमें बहुत आनंद होता है, और प्रभु परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीषित करता है, और प्रभु परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए हमें इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। आज का वचन जो है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, परमेश्वर हमारी चट्टान है। इस चट्टान के बारे में जो है आज हम देखेंगे। हालेलुया। चट्टान की कौन सी आशीष है, किसी को पता है? चट्टान के द्वारा क्या आशीष मिलती है? यस, चट्टान से पानी निकालो। और चट्टान, चट्टान किस बात को दिखाता है? वेरी गुड, दृढ़ता, स्थिरता। और आइए हम फिर प्रभु के वचन को देखेंगे कि आज ये परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, यहोवा हमारी चट्टान, बोलिए यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरी उद्धार की चट्टान है, वो मेरी स्थिरता की चट्टान है, दृढ़ता की चट्टान है, वो मेरी शरण स्थान की चट्टान है, वो मेरी छाया की चट्टान है। बड़ी तपन में छाया की, छाया का चट्टान है। यस, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम पहली बात देखेंगे कि वो उद्धार की चट्टान है। क्यों हमारा उद्धार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और हर हमें उद्धार की जरूरत हर रोज पड़ती है। उद्धार मतलब क्या? उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब आजादी, उद्धार मतलब उस समस्या से छुटकारा। और बाइबल के अनुसार उद्धार मतलब पापों की क्षमा। सर्वसाधारण जो है भाषा में, हिंदी भाषा में अगर हम उद्धार कहें तो किसी समस्या से छुटकारा। लेकिन बाइबल की भाषा में अगर आप देखें, उद्धार मतलब पापों की क्षमा। इस दुनिया में सबसे बड़ा उद्धार अगर कोई है क्यों, तो वो पापों की क्षमा है। पापों से मिलने वाली क्षमा, ये सबसे बड़ा उद्धार आज हमारे जीवन में पाया जाता है। आज यही वचन आज हमारे साथ बातचीत करे। बाइबल में दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय का 47 में लिखा हुआ है, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। मेरे उद्धार की चट्टान है, उद्धार की चट्टान। ये चट्टान ऐसी वैसी चट्टान नहीं, लेकिन उद्धार की चट्टान। हमारे बहुत सारी समस्या से छुटकारा पाने वाली चट्टान है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मेरा बचपन महाराष्ट्र में गया। और महाराष्ट्र का जो हमारा जो महाराष्ट्र जो है ऐसा राज्य है, इसमें बहुत सारे किले हैं, किले बहुत बड़े बड़े जो है पहाड़ हैं, ऐसे जो है पहाड़, और उन चट्टानों में उन्होंने किले बनाए हुए हैं, किले बनाए, बड़े किले। हमारे शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजे, बहुत शूरवीर राजे माने जाते थे। उनके पास इतनी सेना आती थी, हजारों में सेना आती थी, लाखों में सेना आती थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे बच जाते थे, कैसे वो कौन से जो है किले में जाते थे, कैसे कैसे कौन से किले से कौन सा रास्ता निकाल के बाहर निकलते थे, या तो कैसे लड़ाई लड़ते थे उनके लोग। और हमारे महाराष्ट्र में बोलते थे गनीमी कावा, मतलब जो है जब शत्रु लोग जा रहे हैं तो जो है उनके सैन्य लोग आके उनको पीछे से जोर से मार देते थे, अरे आगे 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 भाग देते थे। ये लोग रात को सोते थे, एकदम आके तलवार मारना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ पे बैठे हैं, क्या पे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे करते करते उनको इतना परेशान करते थे ये शिवाजी महाराज के सैनिक, शूर योद्धा थे, बहुत दौड़े, लेकिन वो हजारों लाखों को जो है मुंह पे आलू मारने के लिए वो तैयार होते थे। उनका तरीका था पढ़ाई लड़ाई करने का। शिवाजी महाराज को जो है हमारे इतिहास की किताब में जो है पढ़ते थे तो उसमें बोलते थे कि वो पहाड़ का चूहा है, पहाड़ का चूहा, कहाँ जाए कहाँ से निकले मालूम ही ना चले, कहाँ जाए कहाँ से निकले मालूम ही ना चले।
उनको हर रास्ता बताता, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा रास्ता कैसे जाता है। और इसलिए जो है वो हमेशा जो है किलों की शरण लेते थे, किलों का सहारा लेते थे, जो बहुत ज्यादा सैन्य आते थे। प्रियो आज हम भी, हमारा भी युद्ध चल रहा है, हमारे जीवन का युद्ध चल रहा है। और इसलिए आज हमारे पास परमेश्वर एक हमारे लिए दृढ़ गढ़ ठहरा है, हमारी जगह शरण का चट्टान ठहरा है, शरण का एक गढ़ वो हमारे लिए ठहरा है। और इसलिए हर समस्या से हालेलुया। वैसे राजा छत्रपति महाराज जो है वैसे जो है जमीनों पे रहते थे, जैसे भी जो है शत्रु आते थे एकदम वो किले में जाकर बैठ जाते थे, एकदम वहां पे वो अपने आप को सुरक्षित रखते थे। और वो बड़ा जबरदस्त किले हुआ करते थे। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के किले, वहाँ पे बहुत कठिन चढ़ने के लिए और बहुत कठिन थे, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा किला है, एक ऐसी चट्टान है जो भार की चट्टान है। हालेलुया, हर समस्या से छुटकारा मिलने के लिए। आज मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जो है उद्धार चाहिए तो वो पापों की क्षमा। आज हम देखते हैं कि हर समस्या जो है वो पाप से जुड़ी है, कोई बीमारी जो है पाप से जुड़ी है, गरीबी जो है पाप से जुड़ी है, गरीबी का श्राप लगा हुआ है। और इसलिए वो गरीबी जाती नहीं है, और इसलिए वो गरीबी जाती नहीं। लोग बहुत सारे दुआ करते प्रभु गरीबी का श्राप दूर कर, गरीबी का श्राप दूर कर, गरीबी का श्राप दूर कर, लेकिन गरीबी जाती नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है गरीबी श्राप दूर करना है तो अपना दशमांश दो, प्रभु मुझे चंगाई कर, मुझे चंगाई कर, मुझे चंगाई कर। आप प्रभु परमेश्वर बहुत बार चंगाई दे देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन प्रभु की ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए हमें अपना दशमांश देना कितना ज्यादा जरूरी है, ऐसे बाइबल के अनुसार। हालेलुया, यस, ये तो बाइबल के जो पुराने नियम के अनुसार हमें दशमांश देना पड़ता था, लेकिन नए नियम में तो जो है दशमांश से बढ़कर हमें देना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि तू मेरा उद्धार की चट्टान है। अब वो उद्धार की चट्टान हमारा प्रभु है, और ये उद्धार की चट्टान हालेलुया उसको हम पकड़े रहना है। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है उत्पत्ति उसका 50:18, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। हाँ प्रभु, मैं प्रभु तुझसे जो है हालेलुया क्या उद्धार पाने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि उद्धार प्रभु पापों से देता है, उद्धार प्रभु समस्याओं से देता है, उद्धार प्रभु हमें बीमारी से देता है, उद्धार प्रभु हमें हर तकलीफ और मुसीबतों से देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु मैं बाट जोता आया हूँ। हालेलुया, वो मनुष्य की बाट नहीं जो रहा था उद्धार पाने के लिए, कि ये व्यक्ति आके मुझे उद्धार देगा, वो व्यक्ति आके मुझे उद्धार देगा, यहाँ से मुझे उद्धार मिलेगा या वहां से मेरा उद्धार मिलेगा, कहीं प्रभु ने हालेलुया ऐसा नहीं कहा। लेकिन प्रभु कहता कि प्रभु मैं तेरी बाट जो रहा हूँ। हालेलुया, आज जो है परमेश्वर 24-25 लाख लोग जंगल में ले चलना कोई मजाक बात नहीं। 24-25 लाख लोग मूसा जंगल में ले जा रहा था और परमेश्वर के संपर्क में था, इसलिए वो बहुत का बड़ा काम करता है। अगर परमेश्वर साथ नहीं होता तो वो सारे लोग तो जो है बदलाव करने के लिए आए थे मूसा के विरोध में, लेकिन परमेश्वर मूसा का भी युद्ध लड़ता था और इजराइलियों को भी संभालता था। जो लोग विरोध में जाते थे उनको भी प्रभु संभाल लेता था, है ना, कैसा ये विरोधाभास परमेश्वर के लोगों। यहाँ पे प्रभु प्रभु जो है प्रभु मूसा के द्वारा कहता है कि जो है तुम्हारा वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ा उद्धार का काम किया, बहुत बड़ा उद्धार का काम। कौन सा वो बहुत बड़ा उद्धार का काम? पढ़े उस वचन को, शत्रु से बचाए। निर्गमन 14:13, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि परमेश्वर उनको लाल समुद्र में डुबा डुबा के मारने वाला था। इनको तो जाए ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में आ रहे थे, पर
परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो जाता है ना प्रियो, परमेश्वर डूबा डूबा के मारता है। किसी ने कहा कि भैया के फिरौन को परमेश्वर ने, फिरौन और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में ही क्यों डूबा के मारा? तो ऐसे ही मार सकता था उनको, जो अपने देश में थे वही भी कहता था मर जाओ तो मर जाता नहीं। परमेश्वर ने उनसे बदला लिया। अभी लिखा है कि बदला लेना मेरा काम, तुम बदला मत लो। तुम क्या बदला लोगे? तुम एक गावड़ मार सकते हो, वो भी उसको ऐसा लगे जैसे फूल बाल पे आके गिर गया। तुम क्या बदला ले सकते हो? बदला लेने का काम किसका है? प्रभु का है। प्रभु कहता कि मैं बदला लूंगा। हालेलुया। आज मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार करते हो। देखो जय फिरौन ने और मिश्र के बड़े बड़े राजा ने जो है इसराइल लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। जब जो है इसराइली महिलाएं गर्भवती होती थी, आज जब वो जन्म लेती थी तो उस चट्टान पे जहाँ पे बुलाया जाता था उस चट्टान पे जो है दाइयां बैठती थी और दाइयां दाइयों को फिरौन ने आज्ञा दी थी अगर लड़का हो तो नील नदी में डाल के मार देना, अगर लड़की हो तो जिंदा रहो ताकि वो हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे, हमारी सेवा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए। लड़के हो तो उनको मार डालो, क्योंकि यही लड़के हमारे विरोध में आके हमको मारेंगे और हमें हमें हमसे लड़ेंगे। ये डर फिरौन के अंदर था। लेकिन बाइबल में ये लिखा है प्रियो कि जैसे जैसे जितना ज्यादा फिरौन ने उनको दबाने की कोशिश करी इजरायली लोग उतने ज्यादा बढ़ते गए, इजरायली लोग उनके ज्यादा उतने ज्यादा बढ़ते गए। अब यही हो रहा है ना, मसीहों का सताव हो रहा है, मसीहों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, बहुत सारे पास्टरों को जेल में डाल दिया गया है, बहुत सारे परिवारों को जेल में डाल दिया गया है। कह रहे कि तुम जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे और ना ही जो है वो कोई धर्म परिवर्तन का काम कर रहे। ज्यादातर लोग, एक दो लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। किसी को भी एक पर्चा पकड़ो, भैया पकड़ो बन जाओ क्रिश्चियन, कोई बनेगा क्रिश्चियन? कोई तो बनेगा। जब उनके जीवन में चमत्कार होते हैं प्रियो, जब उनके अंदर की दुष्टात्माएं निकल जाती हैं, तब उनका विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे चर्च में कितने सारे से लोग हैं, उन सारे लोगों को प्रभु ने दुष्टात्माओं से आजादी दी है और इसलिए उनका विश्वास प्रभु के ऊपर आ गया। हमारी बहन एक वंदना सिस्टर आती चर्च में और पहली बार वो और उनके पति चर्च में आए और मैंने उनको पहली बार उनके ऊपर प्रार्थना करी और एकदम दुष्ट आत्मा सामने आया और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। तब तो से लेकर वो प्रभु की आराधना लगातार कर रही है, प्रभु की प्रशंसा कर रही है। उत्तम नगर में रहती बहन, प्रभु परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया है। कहने का मेरा मतलब यह कि कोई भी किसी को भी एकदम मानना शुरू नहीं करता जब तक चमत्कार ना हो। चमत्कार तब होते हैं जब वो परमेश्वर खरा हो। परमेश्वर सच्चा है तो चमत्कार होगा। आपका परमेश्वर सच्चा है, आपका यीशु सच्चा है तो चमत्कार होगा, उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा जो है समय आ गया था कि फिरौन के लोग जो है इजरायलियों को पकड़ने जा रहे थे, पकड़ के फिर से उनको अपने देश में जाके उनको गुलाम बनाने के लिए जा रहे थे। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अभी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्लान किया था। प्रभु ने उनको समुद्र की ओर ही क्यों ले गए वो? क्योंकि प्रभु की प्लानिंग थी, प्रभु की प्लानिंग थी। प्रभु हमारा परमेश्वर प्लान करने वाला परमेश्वर, और वो ऐसा प्लान करता है कि उसके लोग जो है विजयी हो, ऐसा प्लान करता है कि उसके लोग आनंदित हो, ऐसा प्लान करता है कि उसके लोग जो है वो प्रभु को और ज्यादा मानना शुरू करें। अगर आप प्रभु को मान रहे हो तो आपके लिए प्रभु एक प्लान कर रहा है, कुछ उसका कुछ प्लान चल रहा है, उसके दिमाग में कोई प्लान है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का प्लान था
कि फिरौन और उसकी सारी सेना आए। अब मैं इसराइल लोगों को समुद्र दुभंग करके ले जाऊंगा बाहर। अब उसी रास्ते पे सूखी भूमि पे जब ये फिरौन और उसकी सेना आएगी तब उनके पहियों को मैं ऐसा हेवी कर दूंगा, अगर बीचों बीच आएंगे तब मैं मूसा कहूंगा मूसा अपनी लाठी फिर से उभार, अब मैं पानी फिर से एक करने वाला हूं। अब मूसा जब लाठी फिर से एक करेगा ताकि मूसा को मालूम चले, इजराइलियों को मालूम चले ये चमत्कार ऐसे नहीं हुआ। लाठी खड़ी करने के बाद में, लाठी सामने करने के बाद में दुभंग हो गया, लाठी फिर से करने के बाद में फिर से एक हो गया। नहीं तो पता नहीं कुछ साइंटिस्ट लोग कहते नहीं नहीं ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया। आजकल साइंटिस्ट लोगों को भी विश्वास नहीं है प्रभु की बातों पर, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रभु ने चिन्ह दिया था। आप अपना लाठी उभार, लाठी उभर कर और समुद्र दो भाग में जाएगा, लाठी उभार कर और समुद्र फिर से एक हो जाएगा। जो फिरौन और उसकी सारी सेना जिन्होंने आज्ञा दी थी कि इजराइल लोगों के लड़कों को मार देना और नील नदी में फेंक देना, उन दाइयों को, वो दाइयां भी बड़ी परमेश्वर का भय मानती थी, वो नहीं करती थी ये सब काम। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मर तो गए थे, बहुत सारे बच्चे फेंक दिए गए थे क्योंकि वो राजा की आज्ञा थी। उन इजरायली बच्चों को जो अभी नवजात शिशु है उनको नदी में फेंकना कितनी क्रूर प्रणा है। और उसके प्रभु परमेश्वर ने उनके साथ भी वैसी क्रूरता दिखाई। वह अपने मस्त रथ पे जा रहे थे और उनका जय साथ ही आगे चला रहा था उस रथ को, और फिर उन बैठा हुआ था आराम से, कैसे भाग रहे, मैं भी भागूंगा उनको। लेकिन वो पकड़ पाया क्या? नहीं पकड़ा। मूसा ने फिर से अपनी लाठी ऊपर करी, प्रभु ने कहा लाठी ऊपर कर, और जैसे लाठी ऊपर करी उसने सारा पानी जो दुर्भंग हो गया था नीचे सूखी भूमि बनी थी फिर से हो गया। जितने सारे मिश्री लोग वहां पे विरोध में आ गए थे सारे के सारे डूब के मरे। बाइबल में लिखा है उनमें से एक भी नहीं बचा, उनमें से एक भी नहीं बचा। जितने शूरवीर थे, फिरौन था, फिरौन के जितने सारे बहुत बड़े बड़े लड़वैये थे कोई नहीं बचा, प्रभु ने उनका बदला ले लिया। हालेलुया, ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रभु अपने लोगों के लिए बदला लेने के लिए तैयार है। आप बदला मत लो, आप बदला मत लो, प्रभु के हाथ में। तो उद्धार, शत्रुओं से उद्धार, वाह, शत्रुओं से उद्धार। आज बहुत सारे लोग जो है परेशान है, वे कैसे होगा कैसे होगा। हालेलुया जो है, लेकिन हमें प्रभु ने जो आज आपको उद्धार दिया है ना, उस उद्धार मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है छोटी छोटी गवाही देना सीखो। क्या? छोटी छोटी गवाही देना सीखो, तब तुम्हारे जीवन में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न करेगा, वो साइज बड़ा हो जाएगा। हालेलुया आपकी गवाहियों का, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हमारे सिस्टर अंचंता ये जो प्रभु में आ गए तो जो है वो छोटी छोटी गवाही देने लगे। प्रभु उनके लिए छोटी छोटी गवाही, उनका विश्वास बहुत, देखो हम जब उद्धार पाते तो हमारा विश्वास बहुत पक्का होता है। तो जो है एक बार जो है उनका उनकी घड़ी बंद हो गई, तो तीनों चारों लोग जो है बैठे थे वहां, घड़ी बंद हो गई, प्रभु लॉर्ड प्रभु इस घड़ी को ठीक कर दे। क्या चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, शुरू हो गई। अब वो इतने खुश, जैसा दुनिया मिल गई उनको, छोटी सी गवाही है, लेकिन उनको इतने खुश हो गया, भैया प्रभु ने मेरी बात सुनी, प्रभु ने मेरी बात सुनी है, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने एकदम गवाही देना शुरू किया। अब प्रभु ने तब से लेकर अभी तक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां उनके जीवन में उत्पन्न करी, और सिर्फ जो है उन्हीं के जीवन में, लेकिन कलवरी चर्च के ज्यादातर लोगों के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न करी। मैं सिखाता हूँ लोगों कि अपनी छोटी गवाही दो, अपनी सबसे छोटी गवाही दो, सबसे छोटी गवाहियों के द्वारा प्रभु इतनी बरकत देगा कि आपकी गवाहियां इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोगों के मुंह हाँ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? हाँ, ऐसे मुंह खुले खुले रहेंगे लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु चमत्कार करता है बाबा, क्या प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया, और इसलिए
हमें उसके उद्धार के गीत गाना है। पढ़िए उसका भजन संहिता 20:5। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुहा का वरदान। अगला वचन पढ़िए। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने वापसी का उद्धार करता है। हालेलुया, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ, तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। देखो प्रियो, एक बहुत बड़ा उत्तर है इसमें। आपको प्रभु ने पापों की क्षमा दी है ना, अपने पापों से माफी मांगी है ना, तो आपको इस उद्धार के लिए जोर जोर से काम लगाना है। प्रभु ने आपको पापों से बचा लिया, आपके श्रापों को, आपके पितरों के श्राप, आपके पता नहीं कौन से श्राप, उससे प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है, और इसलिए आपको जोर जोर से गाना गाना है। जब आप जोर जोर से गाना गाएंगे, तब आपके लिए परमेश्वर एक नई गवाही उत्पन्न करेगा, एक के बाद एक नई गवाही, एक के बाद एक नई गवाही। मैं जब अपने बिस्तर से उठ जाता हूँ तो हमेशा मैं गाना गाना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पापा का भी यही हाल था। मेरे पापा उठते थे, इतने एक घंटा तक गाना गाते थे, एक घंटा तक स्तुति करते थे, और एक घंटा में कहना तो कम है, वो सारा दिन भर गाना गाते थे। और जो है उनका ताल कभी कभी अपने पैरों में ऐसा करके, कभी ताली बजा के, कभी जो है ऐसे करके, कभी सीटी बजा के गाना गाते थे वो। अरे बाप रे, उनको आराधना करते थे, प्रभु की बहुत आराधना करते थे। कुछ नहीं किया तो प्रभु ने, कुछ नहीं किया फिर भी आराधना करते थे। अब तो प्रभु करना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो यहाँ पे आते थे, सबसे पहले दरवाजा खोलते थे वो चर्च का, और वो आज आपको वो याद होगा। और वो जब आ जाते हैं और जिसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करे वो अच्छा होगा, जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे वो अच्छा होगा। मुझे कहते थे प्रदीप आराधना कर, प्रभु की गीत गा। हम यहाँ पे आने लगे हैं और हम एकदम प्रार्थना करना शुरू करते थे, तो पापा ने कहा नहीं, यहाँ पे पहले गीत गाओ, आप गीत गाना है, आनंदित होकर गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो। और जब हम गीत गाते थे फिर परमेश्वर का काम और ज्यादा जबरदस्त होता था। हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से झंडे खड़े करेंगे। वाह, हालेलुया। झंडे कब खड़े करते हैं? जब वो जगह जीत ली जाती है तब झंडे खड़े करते हैं। आप जब गाना गाएंगे तो आप भी झंडे खड़े करेंगे। आप अपने बेटे के लिए झंडा खड़ा करोगे, हालेलुया। कोई अपने बेटी के लिए झंडा खड़ा करोगे, कोई अपने जॉब के लिए झंडा खड़ा करेंगे, पता नहीं कौन से झंडे खड़े करने हैं, लेकिन आपको झंडे खड़े करने हैं। लेकिन झंडे खड़े करने के पहले कौन सा काम है? आराधना, हर्षित होकर गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो। बहुत बड़ी बात है, जो ऐसा करता है परमेश्वर उसको आशीषित करता है। यहाँ पे जकई नाम का एक व्यक्ति है, और लेकिन जकई के पहले हम एक देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं। सुबह सुबह जब उठते ना, उनको एकदम बिजनेस का डर, बॉस का डर, घर का डर, काम का डर, इसका डर, बहुत डर 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 डर। शैतान कहता है डरता जा, डरता जा, डर डर डरता जा। प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता यहोवा। शैतान आता मेरे पास भी, आपको बात ये बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास भी आता है, बोलता है आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज ये गड़बड़ लाऊंगा वो गड़बड़ लाऊंगा, ये गड़बड़ कर दूंगा ये गड़बड़ी लाऊंगा वो गड़बड़ी लाऊंगा। मैं कहता हूँ शैतान तुझे जो हो सकता है कर लेना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्या लिखा है उस वचन में? वचन संहिता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हाँ। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ खड़ा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? कौन सा शैतान है वो? शैतान को मेरे प्रभु ने मेरे पैर के नीचे कर दिया है। हालेलुया। शैतान ने, हालेलुया, उस शैतान को, हालेलुया, मेरे प्रभु ने
आलोले मेरे पैर की नीचे कर। देखो मैं शैतान की, शत्रु की और दुष्टता की सारी शक्तियों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम्हें किसी की बाधा ना होगी। हमारी हमारे कलोरी चर्च के जो परिवार की कुछ गवाहियाँ आई थी, मैं गवाही जो है एक बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग थे, बहुत प्रार्थना करने वाले लोग थे। और उन्होंने फिर बहुत प्रार्थना करने के बाद खाना बनाया, बहुत प्रार्थना करने के बाद खाना बनाया, खाना खाया, सब लोगों ने खाना खाया। फिर जो है थोड़ा नीचे का जो है कुछ उन्होंने कहा कि आओ थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, नीचे खोल के देखो तो क्या वहाँ पे चुप के लिए भी ना हो गए। और जो है वो क्या हुआ, उन्होंने कुछ करा नहीं, और करने के बाद में जो है क्या होना चाहिए, मरना चाहिए उनको, लेकिन कोई नहीं मरा। अगले संडे आके दवाई देने लगे, हमने चिपकली भी खा ली। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य है और कृपालु है और दयालु है, पर यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ऐसे प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। प्रभु परमेश्वर कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो उद्धार है और हमें डरने की जरूरत। शैतान आपको सुबह सुबह आके बहुत सारे डराएगा, जहर आपके स्कूटर की चाबी भी ले लेगा, लेकिन हमारा प्रभु हमारी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन सकता है? हालेलुया, परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा? उद्धार की चट्टान है भाई, उद्धार की चट्टान है वो। हालेलुया, मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया, मैं लगातार प्रभु परमेश्वर की सेवा करूंगा और लगातार प्रभु की महिमा करूंगा और प्रभु परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा। यहाँ पे लिखा है कि कैसे मरियम ने जन्म दिया और उसको बताया गया कि जो बेटा उत्पन्न होगा वो पापों से उद्धार करने वाला ठहरेगा। पढ़िए उस वचन को, मत्ती 1:21। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, यीशु का नाम ही उद्धार है भैया। हालेलुया, और दुनिया में कोई उद्धार दे नहीं सकता। हालेलुया, उद्धार 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 देने वाला परमेश्वर। Praise Lord. ये उद्धार आता कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये उद्धार आता कैसे है? ये उद्धार पश्चाताप के द्वारा आता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तब उद्धार आता है। आजकल मसीहों को पश्चाताप करना मतलब जो है उनके मन में कुछ नहीं है, आजकल उनको बस हंसने वाले संदेश सुनने हैं। जैसे लाफ्टर चैनल है ना, लाफ्टर चैनल हंसते रहते हैं, हा 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 हा। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें फिर रोने का समय आ गया, वहां से जाने का हमें रोने का समय है, लोगों के लिए हम पश्चाताप करें, लोगों के लिए उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करें, है ना। तो उसका नाम पढ़ना, उस वचन को पढ़ लिया तुमने? हाँ, यस। तब यीशु ने उसे कहा कि आज तो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो आज आपका उद्धार पापों से उद्धार करने के लिए प्रवेश मसीह आए। मैं बताता रहा कि कैसे उद्धार मिलता है, पश्चाताप के द्वारा। लुका 19:9 और यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कैसे। 9 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। जो कहने का जिसका मैंने कुछ गलत तरीके से लिया है उसको मैं चौगुना दे दूंगा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। जिसका लिया है गलत तरीके से, मैंने अगर जो है 1 करोड़ रुपए लिए तो किसको कितना दूंगा, 4 करोड़ दे दूंगा। अगर मैंने जो है अप्रूव में अपनी जितनी संपत्ति है मैं कंगालों को जो है दे दूंगा, आधी संपत्ति में बांट दूंगा। अब मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है, पैसे से कोई मेरा प्रेम नहीं है प्रभु। अब मेरा प्रेम किस पे आ गया है, यीशु पर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग यीशु को प्यार करते हैं वही लोग दशमांश दे सकते हैं, जो लोग यीशु को प्यार नहीं करते वो दशमांश क्या दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, यस।
आज प्रभु ने कहा कि तूने पश्चाताप जो किया ना, आज इस घर में उद्धार आ गया। डिक्लेयर कर दिया प्रभु ने, प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, जगह जाहिर कर दिया कि ये उद्धार हो गया इसका। आपको अब ये नहीं गलत तरीके से पैसा कमाएगा, अब वो नहीं गलत तरीके से जैसे चुंगी लेने वालों का सरदार था वो इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके पास कितने सारा जब कुछ थी, लेकिन जब उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, जिसका जो कुछ लिया है चौगुना फेर देता हूँ, उसके पास रहा कुछ क्या, फिर कुछ भी नहीं रहा होगा उसके पास। उसने कहा कि भैया कुछ रहे या ना रहे, मैं तो अब यीशु को प्यार करूंगा, मैं तो यीशु पैसे को प्यार करना मैंने बंद कर दिया, मैंने खरा पश्चाताप किया है, मैंने खरा पश्चाताप किया है। जैसे उसने खरा पश्चाताप किया, प्रभु ने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बच्चा आज के बाद, आज के बाद ये मेरा बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रभु यीशु के लिए, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर के लोगों, ये उद्धार जो है, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी जाते हैं कि हम भी ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम काले कुत्ते को जो है 50 दिन रोटी खिलाते हैं, काली बिल्ली को जो है हम जो है 40 दिन जो है रोटी खिलाते हैं, हमारा भी उद्धार होगा। और हमने जो है वो जो है घोड़े की टांग हमारे यहाँ लगाई हुई है, वहाँ लगाई हुई है, हमारा भी उद्धार होगा। भैया बाइबल में क्या लिखा है, उद्धार किसके नाम से, पढ़िए उस वचन को, हालेलुया। प्रेरित काम 4 अध्याय का जो है 12 वचन, और किसी के द्वारा और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यस हालेलुया, यहां पर पढ़े थोड़ा ठीक नहीं, हालेलुया। तो और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, प्रभु कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, काली के कुत्ते को या सफेद कुत्ते को या काली बिल्ली को या सफेद बिल्ली को, बहुत करके देखा भैया, बहुत करके देखा, बहुत मुश्किल। जो है एक व्यक्ति ने बताया था, भैया मुझे जो है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ठीक करो, ठीक है बोले तुम रात को 12 बजे शमशान घाट में जाओ और वहां पे ऐसा ऐसा करो, और ऐसा करने के बाद आए। वो बंदा बड़ा जो है ये था हिम्मत वाला था, वो गया शमशान में, जो कुछ उसने कहा तो वो कर लिया, आ गया। बोले जब मैंने कर दिया लेकिन काम नहीं हुआ, बोले शमशान से आते आते तुमने पीछे देखा था क्या, बोले हाँ देखा, इसलिए नहीं हुआ। बोले कि कुछ ना उल्टी सीधी चीजें जो है बताते हैं, कुछ ना कुछ इसमें जो है अपना ये बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मुझे बता, बोले ऐसे बोलते हैं, देखो आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं कि पीछे मत देखो आगे मत पीछे, आपने तो बताया कि प्रभु का नाम लो, आगे बंद करो, आगे बोलो मत, आगे बंद करो, प्रभु से माफी मांगो, और आप किसी और उद्धार आए। और मैंने प्रार्थना करी और मेरा काम बन गया, बैठे बैठे काम बन गया, मुझे कहीं शमशान घाट में जाने की जरूरत ही नहीं। ताली बजा प्रभु के लिए, हालेलुया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, हालेलुया। ये पास्टर प्रदीप के द्वारा उद्धार नहीं मिला उसको उद्धार मिला यीशु के द्वारा उद्धार। उसने जो हमारे लिए बलिदान चढ़ाया है, उस भेष कभी कीमती बलिदान के द्वारा उसको हालेलुया वो उसका बिगड़ा काम बन गया। आपका भी आपके भी बिगड़े काम बन जाएंगे, बस आपको मालूम होना चाहिए किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो नाम कौन सा है, जोर से बोलिए, यीशु नाम, यीशु नाम, जीसस, जीसस, यस। हमारे पास एक नाम दिया गया है, एक को बताया गया, मैंने बोले हमने नाम दान दिया है, नाम दान दिया तो बहुत, क्या नाम दिया भाई तुमको, नहीं 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 सीक्रेट है, वो सीक्रेट है, नाम नहीं बता सकते। हमने कहा भैया हमने भी नाम दान दिया, नाम तुम्हारे गुरु ने बताया होगा, किसी को नाम नहीं बताया। मैंने कहा नहीं 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 हमारे गुरु ने बताया कि सबको बताओ मेरा नाम, किसी से भी छुपाना नहीं है नाम, हालेलुया, क्योंकि इसी नाम में उद्धार है और इसी नाम में छुटकारा है, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सीक्रेट में काम नहीं करता, बस खुलेआम काम करता है, खुला खुला काम करता है, उसको किसी का डर नहीं है भी, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है,
वो कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, और दूसरे किसी के नाम से, किसी दूसरे नाम से उद्धार नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम दूसरी बात देखेंगे। पहली बात हमने देखी वो हमारा उद्धार का चट्टान है। दूसरी बात हम देखेंगे ये ऐसी चट्टान है जो स्थिर रहने वाली है। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बड़े चंचल हो जाते हैं, मैं ये काम करूँ कि ये काम करूँ कि ये काम करूँ कि ये काम करूँ, चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, उस काम के लिए आधे रास्ते में लगने नहीं आप वो छोड़ो यार उस काम को, फिर उस काम को अरे नहीं कर लेते, अरे नहीं कर लेते, अरे नहीं कर लेते। उनके मन में पक्का कोई विश्वास नहीं, निर्धार नहीं, चंचल लोग हैं, पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो है वो थाली का लुढ़कता हुआ बैंगन है, स्थिर नहीं है। ताली इधर करेंगे तो उधर, ताली इधर करेंगे तो उधर, तुम्हारी परिस्थिति जैसी भी होती है उसके अनुसार चलते हैं। वो अपने रंग बदलते हैं, कौन सा प्राणी जब बदलता है, गिरगिट बदलता है, ऐसे गिरगिट 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 भी क्या बदल देंगे जो ये काम जो है अपने रंग बदलते हैं। खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, हम कैसे हम स्थिरता पाए अपने जीवन में। बहुत सारे लोग चंचल है, बहुत स्वस्थ है, बेचैन है, निर्णय नहीं ले पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्थिर होंगे अपने जीवन में। मत्ती उसके साथ अध्याय का 24 वचन से लेके आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ये वही चट्टान है जो स्थिरता वाला चट्टान है, स्थिर करेगा वो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपके आपके हर एक बात को स्थिर करेगा वो। हालेलुया, बहुत पक्का स्थिर करेगा, और ऐसा स्थिर करेगा बाप रे पूछो मत। प्रियो एक बार जो है एक जो है क्या जो है या ऐतिहासिक जो है चीजें लोग गिरा रहे थे, और मेरे पापा की बात, मेरे पापा ने ये बात बताई थी, पापा और चाचा दोनों थे, उन्होंने बताया थी प्रदीप एक बार जो है एक खंबा था, खंबा उन्होंने कहा खंबा अच्छा, तो वो खंबा हवा में उड़ रहा था, हवा में अभी खंबे को स्थिर होने के लिए पे ये चाहिए ना, क्या चाहिए, जमीन चाहिए, लेकिन वो हवा में खंबा ऐसा रहता था। तो सुन लोगों ने कहा ये खंबा हवा में कैसे, ये कोई दुष्टात्मा की शक्ति है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई वैसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये इसके साथ जो है कुछ जुड़ा है। तो उन्होंने कहा क्या जुड़ा है भाई, उन्होंने कहा कि जो है इस खंबे को तुम गिरना चाहोगे, बोले गिरना तो नहीं चाहेंगे लेकिन जो है हम पूछ रहे कि क्या है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर इस खंबे को तुमको गिराना है, हवा में लटक रहा था, उसको हिला रहे उला रहे कुछ नहीं हो रहा, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग, उसने कहा कि अगर इस खंबे को तुम्हें गिराना है, इस दीवार को तुम गिराओ। अब उन्होंने उस दीवार को गिराते ही जो है वो खंबा गिर गया। उन्होंने कहा कि ये पुराने लोगों ने क्या क्या करा था, क्या क्या उन्होंने बनाया था हमें पता नहीं, लेकिन ये उसके साथ जुड़ा हुआ था। प्रियो कलवरी कलीसिया के हर एक सदस्य ऐसे हैं, हालेलुया, वो स्थिर है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनकी चट्टान में, हालेलुया, उनका स्रोत कहाँ है, वो चट्टान में है। वो चट्टान जब तक रहेगी ये कलवरी कलीसिया का हर एक सदस्य वैसा स्थिर खंबा बन के रहेगा, और वो कोई दुनिया की ताकत हिला ना सकेगी, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, पर बेशक तुझे आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्थिर होने के लिए प्रभु ने बुलाया, आपको चंचल, पैनिक, अस्वस्थ, फटाफट कोई गलत उलट निर्णय लेने वाले लोग नहीं बनाए हैं। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि आप जब प्रार्थना करें तो प्रार्थना में आपने निर्णय ले लिया, प्रभु को पूछ के हर एक निर्णय ले, घुटने टेक के प्रार्थना करें, घुटने टेक के बाइबल पढ़े, और तब आपको वो स्थिर करेगा। वो बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और चट्टान पर क्या हुआ, मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, घर पर टकरे लगी, लेकिन वो कभी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली थी। हालेलुया,
ये चट्टान मतलब प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों पे अगर आप अपना घर बनाओगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे, प्रभु यीशु मसीह के नियमों पे अगर आप अपने जीवन की नींव रखोगे, तो आप कितने भी टक्कर लगेगी कभी भी नहीं गिरेगी। अय्यूब के ऊपर कितने टक्करें लगी लेकिन वो कभी नहीं गिरा, उसके बच्चे मर गए लेकिन वो फिर भी स्थिर रहा, उसका जितना सबसे धनी संपत्तिदार वो बंदा था सारे संपत्ति चली गई, सारे घोड़े और सारे जो है वो मोटर सब कुछ चला गया उसका, लेकिन वो फिर भी कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य परमेश्वर का नाम। हालांकि परमेश्वर ने नहीं लिया था, उसकी पत्नी भी उसके विरोध में बोलने लगी थी, लेकिन परमेश्वर वो उसका विश्वास, अय्यूब का विश्वास लोगों पर पक्का था, वो स्थिर था, उसका विश्वास पक्का था। प्रियो आज आपका विश्वास लोगों में पक्का होना चाहिए, आज आप जो है वो स्थिर नहीं उबाले घर के समान, चट्टान के समान आपको होना चाहिए। क्यों? लेकिन दूसरा घर देखो जो है हालेलुया सभी रोज से पढ़िएगा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, टकरे लगी और वो गिर कर सत्यानाश हो, सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी नींव गांधी रेती पर, बालू पर। आप गए होंगे जो है गोवा में, गोवा में यहाँ से वहां चलने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कितनी रेत रहती वहां पे, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, एक बार जब पांव रखेंगे तो इतना धस जाता है अंदर, फिर उसको उठता हो उसे जब वो भी घूम, बहुत रेत होती वहां पे, वहां पे कोई चीज जो है पक्की नहीं रहती है, अगर वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए भी अगर पांव रखूंगा धीरे 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 नीचे रहेगा। समुद्र में जब जाता हूँ जब मैं पाँव रखता हूँ तो वहाँ पे अगर वहीं पे रखूंगा एकदम रेत उसके ऊपर आ जाती है और मेरे पाँव धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। यही चीज़ है रेत बालू, यहाँ पे वो चीज़ें पक्की नहीं होती। वो लोग जो है ऐसे लोग उनमें समान हैं जो आपने मुँह से बोलते हैं वो पक्के नहीं होते, मुँह से बोलते हैं वो जो है स्थान बदलते जाते हैं। प्रियो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें चट्टान पर जो है रखी हुई नींव के समान हमें आज जीवित करना है, यीशु के सिद्धांतों पे हमें चलना है और तब हम स्थिर रहेंगे। हमारी स्थिरता तब जाती है जब हम अन्य जाति के लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं, अन्य जाति के लोग जिनको विश्वास नहीं प्रभु पर उनके साथ जब ज्यादा संगति करते हैं तब हमारा हमारा जो स्थिरता है वो जाती है। पढ़िए वचन को दूसरा पत्र 3:17, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। पिछले सालों में मेरे साथ ऐसा हमेशा होता था, कोई ऐसा बंदा मेरे जीवन में आएगा और मुझे घुमाने शुरू कर देगा और बाद में मालूम चलेगा अरे वो फ्रॉड था, और जो है मैं बड़े सावधानी पूर्वक रीति से रहता था, और वो ज्यादातर वही लोग होते थे जो विश्वासी नहीं है, फ्रॉड लोग आते थे मेरे जीवन में, शैतान उनको लाता था मेरे जीवन में, है ना। बाइबल में लिखा है कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है, तो शैतान कभी भी किसी का भी रूप लेके धारण करके आ सकता है। तो है आपकी स्थिरता को अपने हाथ से जाने मत दो। हालेलुया, परमेश्वर ने तो आकाश को स्थिर किया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने तो पृथ्वी को स्थिर किया, बाइबल में लिखा, वो आपके पांव को स्थिर क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, बड़े उस वचन को जो है 119:90, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी रहती है। हालेलुया, अगला वचन पढ़ेंगे वचन संहिता 119:133, मेरे पैरों को अपने पास वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे, किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे। प्रभु मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। आज हमें प्रभु के वचन के मार्ग पर हमें अपने हालेलुया मन को अपने पांव को स्थिर करना है।
जब आप अपने वचन अपने बाइबल में लिखा है ना कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हमारे पांव को स्थिर करने वाला परमेश्वर का वचन है। इस वचन को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आशीष हमारे जीवन के ऊपर आएगी। हालेलुया। और प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है और हमारे जीवन के सारे बंधनों को हालेलुया जो है वो रुकावटों को दूर कर दे। हालेलुया। मन हमें स्थिर रखता है। अगली बात हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी शरण स्थान और शरण स्थान की चट्टान है। पढ़े सूचक को वचन संहिता 94:22। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा। मेरी शरण की चट्टान। बोलिए मेरी शरण की चट्टान। मेरा यीशु मेरी शरण की चट्टान है। मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान है। ये शरण कब लेते पता? जब शत्रु पीछे लगता है। शरण कब लेते पता? जब कोई मुसीबत पीछे लगी है तब शरण स्थान ढूंढते थे इज़राइल लोग। कुछ शरण स्थान के गांव रखे थे इज़राइल लोगों के लिए कि अगर कोई गलती से कोई काम करे और वो जो है उसका विरोधी उसके भागना है तो वो लोग शरण स्थान जाके अपने आप को बचाए करते थे। जब तक वो शरण स्थान में रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता था। जैसे वो शरण स्थान से बाहर जाएगा उसको मारने का अधिकार लोगों को था। उसी प्रकार आज शैतान का पूरा अधिकार था हमको मारने का, क्योंकि हमने पापी थे, हम लोग हमने बहुत सारे बुरे काम किए थे। आज शैतान का पूरा अधिकार था कि वो हमको मार डाले, नष्ट करें। हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, हमने गलत गलत काम किए थे, इसलिए शैतान हमारा पीछा कर रहा था हमको नाश करने के लिए। लेकिन हम कहां पे आ गए? शरण की चट्टान के पास। शरण स्थान यीशु आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के
पंख तले शरण लूंगा प्रभु, संकट में तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, प्रभु मैं तेरी शरण लूंगा, मुझे और किसी की शरण नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रधानों पर भरोसा रखना बेकार है, मनुष्य पर भरोसा रखना बेकार है। बड़ी बड़ी उस को भी पड़ी होगा। हालेलुया। कि कैसे प्रभु कहता है, हालेलुया, कि यस 118 का 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है भाई। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। 141 का 8, परंतु हे यहोवा प्रभु मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। वाओ, प्रभु मैंने तेरी और अपनी आंखें लगाई है, मैंने अपनी बॉस की और, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, किसी पर मेरी आंखें नहीं है। इनके ऊपर आंखें मत लगाओ भैया, प्रभु पर अपनी आंखें लगाओ। ये लोग धोखा देंगे, ये लोग आपको इच्छा, वो हो सकता है अच्छे लोग हों, आपकी मदद करना चाहते हो, लेकिन वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी भी कुछ सीमा है, लेकिन हमारे प्रभु के पास कोई सीमा नहीं है। आपको मदद करना मतलब किसी भी एंड तक जाने के लिए तैयार है हमारा प्रभु, और वो आपको शरण देगा, आपके जीवन के सारे बंधनों को वो तोड़ेगा। हालेलुया। और जो है हम उसकी शरण लेने वाले लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। एक आखिरी बात बता के हम बंद करेंगे, वो ये है, हालेलुया, कि यशायाह उसके 32 अध्याय के जो है, हालेलुया, दूसरे वचन के आखिरी बात में लिखा है, तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हाँ, हमारे प्रभु जो है तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। मैं अंदर जाते थे, इतनी गर्मी होती थी जब हम पहाड़ पे जाते थे हमारे किले पे। जब एक बार जो है मैं और मेरे परिवार, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहने और मेरी पत्नी जॉली, सब लोग पर हम गए थे एक बार एक किले पे। हमारे घर के पास एक किला था, उस किले पे गए थे, गाड़ी करी थी हमने उस किले पे चढ़ने के लिए। बाप रे, इतना जबरदस्त कठिन था वो जो है किला चढ़ने के लिए। और उस किले पे चढ़ने के लिए मैं अब्राम, उस समय था अब्राम को मैंने गले में लटका लिया, यहाँ पे बैठा हो, इधर एक पाँव इधर एक पाँव, और ऐसा करके मैं पूरा किला चढ़ के ऊपर गया। उस किले को चढ़ने के लिए जब हम भारत स्काउट और गाइड्स में थे तो सब लोगों ने कहा कि जो पहला चढ़ेगा उसको जो है गिफ्ट मिलेगा। मैं सबसे पहले जो है चढ़ गया था और मैं सबसे पहले पहले बार तो, लेकिन इस बार जो है मैं डेविड को भी, सामान को भी, इनको भी, उनको भी, अब्राम को भी लेके हम जो है ऊपर जा रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था जो है कैसे, लेकिन एक जगह पे जब हम वहाँ पे गए इतनी गर्मी में टप टप आग जो है हमारे पसीने बह रहे थे, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ गए किले में गए, इतनी ठंडी हवा आ रही है, एसी भी क्या ठंडी हवा दे सके इतनी गर्मी में जो है वहाँ पे हम गए, इतनी ठंडी हवा आ रही है। मैंने पापा को पूछा, पापा ये ऐसी ठंडी हवा कैसे आ रही है? यही तो है प्रभु ने करा हुआ था, नेचुरल इतना हवा सुंदर आ रही है। प्रेज़ लॉर्ड। तू मेरा सहायक, पढ़ी हो सोचन तो भजन संहिता 63 का 7, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हाँ प्रभु, तेरे पंखों की छाया में मैं जय जयकार करूंगा। हालेलुया। और अगला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको पहाड़ की छाया चाहिए, छत की छाया चाहिए, या आपको परम प्रधान की छाया चाहिए? हालेलुया। परम प्रधान के छाया में स्थान में जो बैठे रहे, तो अगर आप परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठे रहोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत काम नहीं कर पाएगी, आपके विरोध में कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपका रक्षक रहेगा, स्वयं परमेश्वर परम प्रधान के छाया में स्थान में हालेलुया आपको बिठा के रखेगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। लेकिन छाया के स्थान में तो बैठो, आपको तो छाया के स्थान में बैठने के लिए टाइम ही ना मिलता है, ना प्रार्थना करने का टाइम है, ना बाइबल पढ़ने का टाइम है, इतने बिजी रहते हो, लेकिन याद करके रखना है
जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका पाएगा। बोलते तो हो लेकिन छाया के स्थान में बैठ के देखो क्या क्या नहीं देगा आपको। हालेलुया, आपकी कैसी गोद भर देगा, आपकी कैसे जो है आपके पॉकेट भर देगा, सब कुछ भर देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें जो है छाया का स्थान देने के लिए, इज़राइल लोगों के लिए उसने क्या किया बताए, छाया देने के लिए इतनी गर्मी में बादल, बादल पड़ी उस वचन को भजन से 105:39 उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। वाओ, दिन में जो है बादल लगाया ताकि जो है गर्मी ना लगे, रात की ठंडी के लिए प्रभु ने गर्मी के लिए जो है एक जो है आग का खंभा लगा दिया। प्रेज लॉर्ड, आग का खंभा क्या बात है। हम जो है आग लगाया करते थे और सेकते थे सारे लड़के मिलके, हम कुछ करते थे, क्यों भैया बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, बस यहाँ पे आग लगा इतना दिखा था पीछे सारे ठंडी लगी। हमारे बच्चे जो है मजाक करते थे, खैर, लेकिन प्रभु तू हमारा आग का खंभा बना। हालेलुया, हमारी गर्माहट हमारी प्रभु की आत्मार से आती है, वो तपन में हमारी छाया का स्थान है। बाइबल में लिखा है तपन में छाया का स्थान, क्या सुंदर वचन है। इतने दिनों में हालेलुया एक बहन है हमारे चर्च में, आपको कहती पास्टर हमारे घर में तो बहुत धूप आती है, तो फिर पास्टर जब मैं कहती हूँ ना हे प्रभु तू तपन में छाया का स्थान है, तपन में छाया का स्थान है, बड़ा सुकून मिलता है। पढ़ी उस वचन को, यशायाह 25:14 क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीड़ पर पहचान के समान होता था तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। तपन में छाया का स्थान हुआ, हमारा परमेश्वर तपन में छाया का स्थान है। इस बार तो दिल्ली 52 को भी क्रॉस कर गया, बाप रे, और ऐसे समय में भी परमेश्वर ने हमारी रक्षा की क्योंकि वह तपन में छाया का स्थान है। हालेलुया, तो आज प्रियो हमने चार प्रकार की चट्टान की चार बातें देखी और तो बहुत सारे प्रकार रखे हमारे प्रभु यीशु मसीह की चट्टान है। पहली कौन सी चट्टान मैंने देखा, उद्धार की चट्टान, थैंक यू। दूसरी स्थिरता की चट्टान, वेरी गुड। तीसरी शरण स्थान, चट्टान। चौथी चट्टान छाया की चट्टान, छाया देने वाली चट्टान, आपको तपन में छाया देगा, चाहे कितनी भी दुनिया के घरों में क्या कितनी भी हालेलुया डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या कम हो जाए, आपका घर एकदम नॉर्मल घर रहेगा। दुनिया में चाहे कितने लोगों के घरों में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपका घर एकदम शांत कूल रहेगा, कूल करेगा परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि वो तपन में छाया का स्थान बनाने वाला परमेश्वर है। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु परमेश्वर जो हमारी चट्टान है उसको देखें हम। हालेलुया, मैं चाहूंगा कि आप हर एक जन प्रभु से बात करना शुरू करें कि प्रभु मुझे हालेलुया तेरे जैसे उस चट्टान पे आना है। प्रभु मैं अपना जीवन, प्रभु मैं अपना घर, अपने जीवन की नैया उस चट्टान पे बनाना चाहूंगा जो यीशु नाम चट्टान है। बाइबल में लिखा है कि वो चट्टान उनके आगे आगे चली, वो चट्टान ने उनको पानी पिलाया, वो चट्टान जंगल में उनके आगे आगे चली। आज ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और वो आज आपके लिए उपलब्ध है, उपलब्ध है। पुकारे उसको, प्रार्थना करे उसकी, पवित्र पवित्र से नाम के युवा परमेश्वर आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तू हमारी चट्टान ठहरा कर, आज हमें डरना नहीं है, यह मेरी चट्टान है मैं किससे डरू, यह मेरा उद्धार की चट्टान है मैं किसका भय खाऊं। हे प्रभु परमेश्वर उस डर को हम अपने मन से निकाल देते हैं, वो सारा डर और भय हमारे जीवन से यीशु के नाम से निकल जाए, आज के बाद वो डर और भय हमारे अंदर आने ना पाए। हे परमेश्वर पिता जो तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के विरोध में है, प्रभु तू उनसे हमें छुड़ाने वाला है क्योंकि तू उद्धार की चट्टान है, तू हमें स्थिर रखेगा पिता, हमें प्रभु एक ही बात में अटल रखेगा, हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के तुम्हें अटल रखेगा प्रभु, हमारा पूरा विश्वास है वह दृढ़ता वह स्थिरता आज हर एक विश्वासी के अंदर उत्पन्न कर, जो उन्होंने यीशु के पीछे हो लिया है कभी लौटेंगे नहीं, यीशु के पीछे में हो गया ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार मेरे साथ ना आए मैं फिर भी लौटूंगा नहीं,
मैंने स्थिरता की चट्टान पर अपना घर बनाया है, मैंने उद्धार की चट्टान पर अपना घर बनाया है, मैंने यीशु जो शरण की चट्टान है उस पर शरणगत में हो गया हूँ, मैंने शरण ली है मेरे प्रभु की। हालेलुया, हे प्रभु हालेलुया, आज हमने तेरी शरण ली है, तो हमें प्रभु परमेश्वर खाली जाना दे, और तेरी पवित्र आत्मा हमारे ब्रह्मांड लाना दे प्रभु, सारी रुकावटें दूर करते प्रभु। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हालेलुया तपन में तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठे हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, वो तपन में छाया का स्थान देने वाला परमेश्वर जो है, आज एक एक कलवरी चर्च के सदस्य हो, आज जो जो व्यक्ति सुन रहे सबों को आशीष कर, आज मैं हर एक व्यक्ति की बीमारी को दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति की बीमारी को नष्ट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति के प्रभु परमेश्वर पिता परेशानी और बीमारी को मैं यीशु के नाम से आजाद होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्षति हो जाओ यीशु के नाम से, छुटकारा प्राप्त करो यीशु के नाम से, और हे प्रभु तू उनको प्रभु आनंदित कर, प्रभु परमेश्वर पिता उनके डर भय से तू उनको छुटकारा दे, हे प्रभु जी तू उनको बता दे कि तू उनके साथ एक चट्टान के साथ जैसे खड़ा है, हालेलुया, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ चट्टान के जैसे खड़ा हूँ, हालेलुया, पानी देने वाली चट्टान, हालेलुया, आशीष देने वाली चट्टान, उद्धार देने वाली चट्टान, स्थिरता देने वाली चट्टान, हालेलुया, और शरण देने वाली चट्टान, छाया देने वाली चट्टान, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, हालेलुया, प्रभु कहता है धन्यवाद, तुमने मेरी दुआ कबूल कर लिया, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन आमीन, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद दे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के नाम से रहे, आमीन आमीन आमीन, सबको जय मसीह की, शालोम शालोम शालोम।